बैक्टीरिया। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का सबसे फर्स्ट मेंबर दैट इज द मोनेरा। मोनेरा यू नो दीज आर द यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ओके, नाउ वी जस्ट सी के हाउ वी कैन क्लासिफाई द मोनेरा। मोनेरन्स में ऑल बैक्टीरिया कम, बट स्टिल बैक्टीरिया आर ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड इज आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं बेटा, दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव और द मोस्ट एंशियंट बैक्टीरिया। आर्की मीन्स होता है प्रिमिटिव, एंड बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया के लिए डिनोट कर ही रहा है। एंड सेकेंड इज द यू बैक्टीरिया। इन बायोलॉजी मैनी अ टाइम्स द वर्ड यू विल कम, जैसे यू कैरियोटिक, आगे यू क्रोमेटिन आएगा। तो यू का मतलब होता है ट्रू। ट्रू मतलब, अब यहाँ पे ट्रू बैक्टीरिया यानी जैसे हम कहते हैं यू कैरियोट ट्रू न्यूक्लियस, यानी जिसका न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय द डबल यूनिट मेम्ब्रेन। यहाँ पे यू बैक्टीरिया मीन्स दोज बैक्टीरिया विच आर कम विच फॉलो और विच फुलफिल ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बैक्टीरिया। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम ऑन टू द आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया आर फर्दर ऑफ थ्री टाइप्स, हम लोग उसके टाइप करेंगे। द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरिया मीन्स, अब फर्स्ट वन इज द मीथेनोजन। फर्स्ट टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरिया इज मीथेनोजन। सेकेंड टाइप ऑफ द आर्की बैक्टीरिया इज थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स, एंड थर्ड टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरिया आर हेलोफाइल्स। द वेरी फर्स्ट थिंग इज आर्की बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन एवरी टाइप ऑफ हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन। कोई भी हार्श कंडीशन हो यानी कि एक्सट्रीम कंडीशन, वहाँ पे ये सर्वाइव करते हैं। Why they survive at those extreme condition? That I will tell you later on. But first we will just see कि where these different type of bacteria are present. Archaea bacteria are present. The very first eubacteria I will discuss later on. Methanogen, as the name indicate, methane. दो words से बना है. One is a methane. Methane is a gas you all know. CH4. 10th class में आपने study की है. और जन मीन्स होता है प्रोड्यूस करना। तो दोज बैक्टीरिया विच कैन प्रोड्यूस मीथेन आर कॉल्ड एज मीथेनोजेंस। तो मीथेनोजेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन, और यू कैन से रूमिनेंट एनिमल्स। ये वर्ड कुछ बच्चों के लिए नया हो सकता है, लेकिन दोज हु आर स्टडीड इन द एनटीएससी सेक्शन उनके लिए ये कॉमन होगा। रूमिनेंट एनिमल्स उन्हें कहा जाता है जिन्हें हम कहते हैं कर्ड चूइंग एनिमल्स, या जिसको सिंपल वर्ड्स में हम कहें जुगाली करते हैं। जैसे आप लोगों ने काओ, गोट, इनको देखा है, वो खाना खा लेते हैं और उसके बाद में दे जस्ट सिट आइडली एंड जस्ट च्यू द फूड बाय रिग्रीगेटिंग बैक। रिग्रीगेटिंग का मतलब होता है वापस से अपने स्टमक से फूड को निकाल के उसे वापस से च्यू करते हैं। दैट इज़ द रिग्रीगेटिंग एंड कट च्यूइंग एनिमल। उन्हें हम रूमिनेंट कहते हैं बिकॉज दे हैव द स्पेशल टाइप ऑफ स्टमक जिसके अंदर फोर पार्टीशन होते हैं स्टमक में, रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। दैट नो नीड टू स्टडी ओवर हेयर। ओनली थिंग इज दैट दे आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन ऑफ द रूमिनेंट एनिमल, इवन इन द स्टमक ऑल्सो। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की तरह ये रहते हैं बेटा। इसके अलावा दे आर प्रेजेंट इन द मार्शी एरिया। मार्शी एरिया में भी प्रेजेंट होते हैं एंड दे प्रोड्यूस मीथेन। तो दे लिव इन द एनएरोबिक कंडीशन। ओके, नाउ सेकेंड कम्स द थर्मो एसिडोफिल। थर्मो मीन्स टेम्परेचर, एसिड यू ऑल नो इट इज द एसिड, एंड फिल्स का मीनिंग होता है लव, यानी दे लव टू लिव इन एट वेरी हाई टेम्परेचर एज वेल एज इन द एसिडिक मीडियम। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स कैन लिव एट वेरी हाई टेम्परेचर।
तो हाई टेम्परेचर पर रह सकते हैं बेटा. सो वेयर दे आर प्रेजेंट इन द हॉट वाटर स्प्रिंग. हॉट वाटर स्प्रिंग यू नो सल्फर स्प्रिंग, जिसमें आपका पानी का टेम्परेचर अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस होता है. इसके अलावा जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो द लावा व्हेन कम्स आउट फ्रॉम द वॉल्केनो एंड मूव्स, दे आर प्रेजेंट ओवर देयर ऑल्सो. वॉल्केनिक इरप्शन के उधर भी प्रेजेंट होता है. दे आर प्रेजेंट इन वेरी हाई एसिडिक कंडीशन ऑल्सो, वेरी हाई एसिडिक कंडीशन. इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो आपको अभी से ही लर्न करना है, इट विल कम इन द 12th स्टैंडर्ड ऑल्सो, बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज कॉल्ड एज वन बैक्टीरिया. आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ वन बैक्टीरिया थर्मो एसिडोफिल. दैट इज कॉल्ड द नेम ऑफ दिस इज थर्मस एक्वेटिकस, ए क्यू यू, थर्मस एक्वेटिकस. थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया का नाम है विच लिव्स एट वेरी हाई टेम्परेचर अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस. दिस बैक्टीरिया इज यूजफुल इन द बायोटेक्नोलॉजी. वी विल स्टडी इन 12th क्लास वन एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज टेक पॉलीमरेज, दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन. बट यू जस्ट नो टेक पॉलीमरेज, इट इज अ एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डी एन ए. और टेक का मीनिंग है टी फॉर थर्मस, और ए क्यू का मीनिंग, ए क्यू स्टैंड्स फॉर एक्वेटिकस. तो थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज एंजाइम यूज इन बायोटेक्नोलॉजी. ओके, नाउ थर्ड कम्स द हेलोफाइल्स. हेलो, 10th क्लास में आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा, हेलोजन. पढ़ा है बेटा? हेलोजन का क्या मीनिंग होता है? हेलोज का मतलब होता है सॉल्ट. तो हेलोजन वहाँ पे एक पूरी केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें ग्रुप होता है हेलोजन, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये आती है. आपको पता है कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी भी एलिमेंट के साथ में मिलती है तो इट फॉर्म्स सॉल्ट, जैसे NaCl, तो सॉल्ट बनाती है. तो हेलो मतलब सॉल्ट, और फाइल्स का मतलब एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट इज लव. तो दे लव टू लिव नियर द सॉल्ट, मीन्स दे लिव इन द एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन. सॉल्टी कंडीशन के लिए वर्ड हम यूज करते हैं बेटा सेलाइनिटी. तो लिव एट वेरी हाई सेलाइनिटी, बहुत हाई सेलाइनिटी पर रहते हैं, हाई सॉल्ट कंटेंट पर. ठीक है, अब इतनी कंसंट्रेटेड पर रहते हैं तो दीज बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द डेड सी ऑल्सो. तो ये तो होगा बेटा आर्की बैक्टीरिया. Now we come on to that, कि what is the special, कि how these archaebacteria can survive in this type of environment, कि इस तरह के environment में जिसमें कोई organism survive नहीं कर सकता, ये organism कैसे survive करते हैं. तो we will just study about the cell wall, structure of the cell wall of these bacteria. Okay, now अगर हम एक structure देखें तो simply आपको पता है, हम पहले bacteria का structure कर चुके हैं बेटा. उस बैक्टीरिया में हमने कहा था कि किसी भी बैक्टीरिया के अंदर पहले प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन. ओके, सेल मेम्ब्रेन के बाद में आई जस्ट टोल्ड यू आफ्टर द सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल इज प्रेजेंट. तो इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है बेटा. लेकिन हमने ये पढ़ा था कि बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो बनी हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, है ना? किसकी बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की. यहाँ पे जो सेल वॉल बनी हुई है वो पेप्टिडोग्लाइकन की ना हो करके एक स्पेशल प्रोटीन की बनी होती है, जिनको कहा जाता है सरफेस प्रोटीन. क्या कहलाते हैं बेटा? सरफेस प्रोटीन. और ये सरफेस प्रोटीन जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है ऑफ दीज टू दीज बैक्टीरिया फ्रॉम द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन. तो ये इनके पास कौन सा प्रोटीन होता है? सरफेस प्रोटीन. इसको हम लोग एस प्रोटीन भी कहते हैं. क्या कहलाता है? एस, एस स्टैंड्स फॉर सरफेस प्रोटीन. या फिर हम ये कहें कि इसकी सेल वॉल, अगर मैं ये बनाती हूँ कि ये अगर सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन है तो ये इसके सरफेस प्रोटीन हो गया बेटा. अब मैं सेकंड बैक्टीरिया, या फिर ये किस फॉर्म में मिल सकते हैं, या फिर ये मिल सकते हैं कि ये तो हो गया इसका प्लाज सेल मेम्ब्रेन,
सेल मेम्ब्रेन के नेक्स्ट जो प्रेजेंट होता है लेयर पेप्टिडोग्लाइकन ना हो करके एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम कह सकते हैं स्यूडो म्यूरामिक एसिड. दिस पार्ट इज ऑल्सो ऑफ द नीट. प्रीवियस पार्ट वॉज ऑफ द बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन एंड दिस इज फॉर द नीट. तो स्यूडो म्यूरामिक एसिड की एक लेयर होती है बेटा, और स्यूडो म्यूरामिक एसिड की लेयर के बाद में द अनादर सरफेस प्रोटीन इज प्रेजेंट. तो दिस इज हाउ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल ऑफ आर्की बैक्टीरिया एंड दैट्स वाई दे कैन सर्वाइव इन द हार्श कंडीशन. नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट कंडीशन, दैट इज यू बैक्टीरिया. हम किसकी कंडीशन पे आएंगे, यू बैक्टीरिया के. यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया बेटा. तो ट्रू बैक्टीरिया जो हुए तो सब कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे. हम ट्रू बैक्टीरिया को भी डिवाइड कर सकते हैं तीन कैटेगरीज में. फर्स्ट इज द फोटो ऑटोट्रॉफ्स, फोटो ऑटोट्रॉफ्स. सेकेंड टाइप आर ऑटोट्रॉफ्स, सॉरी कीमो ऑटोट्रॉफ्स. एंड थर्ड इज द हेटरोट्रॉफ्स. फोटो ऑटोट्रॉफ्स मीन्स दोज बैक्टीरिया विच सिंथेसाइज देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दे आर कॉल्ड एज फोटो ऑटोट्रॉफ्स. जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. उसके बाद आता है बेटा केमो ऑटोट्रॉफ्स. क्या कहलाते हैं केमो ऑटोट्रॉफ? केमो ऑटोट्रॉफ, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ मतलब नरिशमेंट. दे ऑल्सो सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट इन बाय द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल, नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. एंड द हेटरोट्रॉफ मीन्स दोज बैक्टीरिया विच आर डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए डिपेंडेंट रहते हैं उन्हें कहा जाता है हेटरोट्रॉफ्स. हेटरोट्रॉफ्स मोस्टली पैरासिटिक होते हैं इन नेचर, ठीक है, पैरासिटिक डिजीज कॉजिंग होते हैं यूजुअली. केमो ऑटोट्रॉफ जो होते हैं दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसाइकलिंग ऑफ द मिनरल. एंड फोटो ऑटोट्रॉफ्स दे डू फोटोसिंथेसिस, जिसके अंदर हमने बीजीए पढ़ना है. बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे साइनोबैक्टीरिया, प्रीवियसली इट वॉज कैप्ट इन द किंगडम एल्गी बट नाउ इट इज प्रेजेंट इन द यू बैक्टीरिया. थैंक यू.